आज हम सिक्स क्लास में साइंस में चैप्टर सिक्स समझेंगे, चेंजेस अराउंड अस। आप अपने आसपास के माहौल में जहां आप रहते हैं बहुत सारी चीज़ें नोटिस करते हैं। आज हम उसी में से कुछ बातें डिस्कस करेंगे। सम चेंजेस अराउंड यू, आप जहाँ पर रहते हैं आपके आसपास में कुछ चेंजेस जो आप देखते हैं, जैसे ग्रोइंग ऑफ प्लांट टू ट्री। कोई छोटा सा पौधा जो आपने बचपन से देखा होगा, वो जैसे जैसे आप बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे वो पौधा भी बढ़ता जा रहा है, मैच्योर होता जा रहा है और एक बड़े ट्री में कन्वर्ट हो गया है। ग्रोथ ऑफ पप टू डॉग। हमारे घरों के आसपास में किसी के यहाँ पर पालतू कुत्ता बिल्ली अगर है तो उनका जो किटन या पप है उसको बड़ा होकर डॉग या कैट में कन्वर्ट होते हुए भी हम देखते हैं। मतलब वो डे बाय डे ग्रोथ कर रहा है, उसके अंदर कुछ चेंजेस आ रहे हैं, उसकी एज बढ़ती जा रही है, उसका साइज बढ़ता जा रहा है, उसका वेट बढ़ता जा रहा है, उसकी एक्टिविटी में चेंज होता जा रहा है। योर ओन ग्रोथ इन हाइट एंड वेट। आप खुद भी एक छोटे बच्चे थे पहले, जैसे जैसे आप बड़े होते जा रहे हैं आपकी ग्रोथ बढ़ रही है, वैसे वैसे आपका हाइट ऊंचाई भी बढ़ रही है और आपका वजन भी बढ़ रहा है, आपकी एक्टिविटी बढ़ रही है। आप आने वाली बड़ी क्लासों में पढ़ते जा रहे हैं, उस हिसाब का आपका सिलेबस भी चेंज हो रहा है। अब हम देखेंगे सम चेंजेस यू नोटिस। आपके आसपास में कुछ ऐसे चेंजेस है जो आप नोटिस करते हैं, जैसे ग्रीन लीफ टर्न टू ब्राउन। हरी पत्ती जो होती है प्लांट की, पूरा प्लांट हमेशा हरी पत्तियों से लदा रहता है, लेकिन कुछ समय बाद वो हरी पत्तियां जो है वो पीले रंग में चेंज हो जाती है, पीली पत्तियां कुछ समय बाद ब्राउन रंग में चेंज हो जाती है और ब्राउन होकर वो गिर जाती है और नई नई ग्रीन पत्तियां प्लांट में आती रहती है। ये चेंजेस टाइम टू टाइम हर प्लांट में चलते रहते हैं। नेक्स्ट, बर्ड चेंज टू फ्लावर। आपने फ्लावरिंग प्लांट देखे होंगे जिसके अंदर पहले छोटा सा कली होता है, कली में से फूल खिलता है, तो वो भी एक चेंज है। ग्रोथ होने पर प्लांट के अंदर बर्ड आता है, ब्लड के बाद वो फ्लावर में कन्वर्ट हो जाता है। राइपनिंग ऑफ फ्रूट। आपने कच्चा केरी खाया होगा, रॉ मैंगो, जब यह कच्चा होता है तो सब्जियों वगैरह में यूज होता है, चटनी वगैरह में होता है, लेकिन जब ये पक जाता है तो ये आम बन जाता है। तो जितने भी फ्रूट्स हैं वो पहले कच्चे होते हैं और समय के साथ उनमें चेंज आता जाता है, वो जूसी हो जाते हैं, उनका कलर चेंज हो जाता है, उनका टेक्सचर चेंज हो जाता है और वह फ्रूट में कन्वर्ट हो जाते हैं। हरा टमाटर आपने देखा होगा जो कच्चा होता है, हम इसकी सब्जियां वगैरह बनाते हैं, जब वह लाल हो जाता है तब हम उसका सूप या सलाद में कच्चा भी खा सकते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे आसपास में चेंज होती रहती हैं, हम नोटिस करते हैं उसे। अब हम देखेंगे कैन ऑल चेंजेस ऑलवेज बी रिवर्स्ड। क्या सारे जो चेंज है वो रिवर्स होते हैं? अभी तक आपने जो भी चेंजेस देखे, प्लांट का ट्री में कन्वर्ट होना, पप का डॉग में या किटन का कैट में या आपका खुद का ग्रोथ, क्या ये रिवर्स हो सकते? नहीं, ये रिवर्स नहीं हो सकते। हम हमेशा आगे की तरफ बढ़ते हैं, हम जो ग्रोथ करते हैं वो हमेशा आगे की तरफ होती है। हमारा मेंटल डेवलपमेंट जो है वो बढ़ता रहता है, भले हमारी फिजिकल ग्रोथ एक एज के बाद में स्टेबल हो जाती है, हमारा हाइट और वेट एक एज के बाद में चेंज नहीं होता, लेकिन हमारा मेंटल लेवल चेंज होता है। तो अब हम यहाँ देखेंगे कौन सी चीज़ें हैं जो जिसके चेंजेस जो है वो रिवर्स हो सकते हैं, जैसे साइज एंड शेप ऑफ बलून। साइज एंड शेप ऑफ अ बलून, बलून या फुग्गा जब आप फुलाते हैं तो आप उसको
उसमें से अगर एयर निकाल देते हैं तो वो वापस उसी शेप में आ जाता है, इलास्टिक। इलास्टिक को भी अगर आप एक बार खींच कर छोड़ देते हैं तो वो आप वापस उसी शेप में आ जाता है। तो ये जो चेंजेस है ये रिवर्सिबल है। नेक्स्ट वन इज फोल्डिंग ऑफ पेपर। आप किसी पेपर को फोल्ड करके क्लासरूम में अगर खेलते हैं, उसका एरोप्लेन वगैरह बनाते हैं और उसके बाद में अगर उसका फोल्ड जो है उसको खोल देते हैं तो वो वापस प्लेन पेपर बन जाता है। हालांकि उसके ऊपर कुछ लाइन और क्रश के मार्क्स दिखाई देते हैं लेकिन वो फोल्ड पेपर जो था वो प्लेन पेपर में आपको मिल जाता है। तो ये भी रिवर्सिबल है स्लाइटली। नेक्स्ट वन इज रोटी फ्रॉम डो। आपने अपने घर में गुथे हुए आटे से कभी रोटी बनाने का कोशिश किया होगा, तो अगर आपका वो शेप जैसा आप चाहते हैं वैसा नहीं बना, आप अगेन उस बेली हुई रोटी से आटे का डो या एक बॉल बना सकते हैं। लेकिन रोस्टिंग ऑफ रोटी, एक बार अगर आपने वो रोटी बना दिया है तो फिर से आप उसको डो में कन्वर्ट नहीं कर सकते। आटे से रोटी बनाकर आप फिर से उसको आटे में कन्वर्ट कर सकते, पर अगर वो रोटी एक बार आपने रोस्ट कर लिया, सेक लिया, तो अगेन वो आटे में कन्वर्ट नहीं हो सकती। वैसे ही कटिंग ऑफ पेपर, आपने एक पेपर पर कुछ ड्रॉ किया और उसको कट कर लिया, जब आपने उसे कट कर लिया है तो आप उसे वापस पेपर में चेंज नहीं कर सकते, ये नॉन रिवर्सिबल चेंज है। तो यहाँ पर कुछ चेंजेस जो येलो लेटर्स में मैंने लिखे हैं, कुछ जो है वो चेंज हो सकते हैं, कुछ जो है वो चेंज नहीं होंगे, उसका फॉर्म जो है या जो टेक्सचर है या जो यूज़ है वो चेंज हो जाएगा, हमें पहले वाली चीज़ वापस से नहीं मिलेगी। नेक्स्ट है चेंजेस इन साइज ऑफ योर पेंसिल एंड इरेजर। जब आप अपने पेंसिल को बार बार शार्प करते हैं तो जो साइज उसका था वो रिड्यूस हो जाता है, वो भी रिवर्स नहीं होता, धीरे धीरे आपका पेंसिल खत्म हो जाता है। सेम आपका जो इरेजर होता है, जब नया होता है आपके पास में अच्छा उसका साइज और शेप होता है, जैसे जैसे आप उसे यूज करते हैं उसका साइज और शेप चेंज होने लगता है और धीरे धीरे वो खत्म हो जाता है, वो रिवर्स नहीं होता। अब हम देखेंगे अदर वेज टू ब्रिंग अ चेंज। अदर वेज टू ब्रिंग अ चेंज, कौन से ऐसे तरीके हैं जिससे हम कुछ चेंजेस ला सकते हैं। एक है एक्सपांड बाय हीट, कॉन्ट्रैक्ट बाय कूलिंग। पुराने समय में जब घोड़ा गाड़ियाँ चला करती थी तो वो जो घोड़ा गाड़ी है उसके जो पहिए होते थे, हॉर्स कार्ट, उसके जो पहिए होते थे वो लकड़ी के बने होते थे, उसके ऊपर आयरन या लोहे का एक रिम चढ़ाया जाता है मजबूती देने के लिए। अब लकड़ी पर जो लोहा चढ़ाने की प्रोसेस होती थी उसके लिए आयरन को हीट किया जाता था वेरी हाई टेम्परेचर पर, तो हाई टेम्परेचर पर हीट करने पर आयरन जो है वो सॉलिड से लिक्विड या मॉल्टन फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है और लकड़ी के ऊपर उसको फिट कर दिया जाता है, फिर उसके ऊपर पानी से छिड़काव किया जाता है, तब वह कॉन्ट्रैक्ट बाय कूलिंग इफेक्ट देता है। मींस जब उसके ऊपर ठंडा पानी डाला जाता है तो वो सिकुड़ जाता है आयरन का रिम और लकड़ी का जो पहिया है उसके ऊपर वो फिट हो जाता है। तो कुछ चेंज जो है वो हीट के थ्रू एक्सपांड करके होते हैं, हीट मिलने पर कुछ चीज़ें फैलने लगती है और कूल होने पर कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। जैसे अगर हम पानी को बॉईल करते हैं तो उसका वाटर वेपर बन जाता है और वाटर वेपर को अगर हम कलेक्ट करते हैं किसी बर्तन में तो अगेन वो पानी में चेंज हो जाता है, लेकिन कुछ परसेंटेज उसमें वेस्ट हो जाता है। तो कुछ चेंजेस जो है वो दूसरे तरीकों से भी हो सकते हैं, कुछ मैकेनिकल प्रोसेस या कुछ टेक्निकल काम करना होता है। नेक्स्ट वन इज बर्निंग ऑफ कैंडल। आपने अपने घरों में बर्निंग ऑफ कैंडल, आपने अपने घरों में कभी लाइट नहीं होता है तो कैंडल जलाया होगा,
तो जो कैंडल है वो जलते समय साइड में से ड्रॉप बाय ड्रॉप टपकने लगता है। अगर हम उसको कलेक्ट करके उसके अंदर कोई एक बाती लगा देते हैं तो वो फिर से कैंडल जलने लायक हो जाता है। लेकिन उसमें जो वैक्स होता है कैंडल का, उसका लॉस होता है। अब हम देखेंगे सेटिंग ऑफ कर्ड, दही का जमना। जब आप दूध के अंदर नाइट में आप अपनी मम्मी को देखते होंगे कि वो दूध को हल्का सा गुनगुना कर लेती हैं, उसके अंदर एक चम्मच जितना दही डाल के मिक्स कर देती है, तो मॉर्निंग में वो जमा हुआ दही तैयार मिलता है, उसे सेटिंग ऑफ कर्ड कहते हैं। ये चेंजेस भी एक बार अगर हो गया है तो कर्ड से वापस मिल्क नहीं बन सकता। नेक्स्ट वन इज डिजॉल्विंग इन वाटर। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसको चेंज करने के लिए पानी के अंदर डिजॉल्व किया जाता है। जैसे अगर हमने नमक या शक्कर पानी के अंदर डाला है तो वो अपनी प्रॉपर्टीज जो है वो चेंज कर देगा, वो पानी के अंदर घुल जाएगा। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको हमको चेंज करने के लिए उसके साथ में कुछ एक्टिविटी करना पड़ता है। कुछ चेंज जो है वो रिवर्स नहीं होते, कुछ चेंज हम रिवर्स कर सकते हैं, लेकिन उसमें उसका जो प्रॉपर्टी है वो लॉस हो जाता है। तो अब आपको अपने आसपास होने वाले चेंजेस को नोटिस करना है और उसको दो ग्रुप में डिवाइड करना है कि कौन से चेंजेस जो हैं वो रिवर्स हो सकते हैं और कौन से चेंजेस जो है वो रिवर्स नहीं हो सकते। थैंक्स।